सरसों का तेल है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है इसका। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतनी अच्छी फिश फ्राई होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको फिश बनाना बताऊंगी ढाबा स्टाइल से, और बहुत ही मज़ेदार ही नए अंदाज से। शायद आप लोगों ने ये तरीका पहले नहीं देखा होगा, आज मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और बहुत मज़ेदार बनती है ये फिश। और शुरू करते हैं, चले आए जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हमारे पास 2 किलो फिश है, और ये 1 पाव बेसन है, और ये लहसुन और हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली है पानी डाल के थोड़ा सा। और ये दही है 1 पाव हमारे पास, और ये वाले तकरीबन 2 नींबू हैं, और ये 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, और 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच नमक है, और ये 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच अनारदाना, और 1 चम्मच लाल मिर्च है, और ये 1/2 चम्मच ये कलर है ऑरेंज कलर है, और ये सरसों का तेल है, थोड़ा सा हम यूज करेंगे इसके अंदर। ये सारे मसाले बेसन के, 1/2 पाव बेसन है, ये इसके अंदर सारे मसाले डाल दें, और ये दही भी इसके अंदर। और ये नींबू भी निचोड़ दें। तीन से चार चम्मच सरसों का तेल है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है इसका। ये 1/2 चम्मच जो मैं जीरा है, काली मिर्चे हैं, ये सारा कुछ उसके अंदर पीसा हुआ है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको लाएं। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतनी अच्छी हमारी फिश फ्राई होगी। ये थोड़ा सा पानी इसको लेंगे, थोड़ा बहुत गाढ़ा है। ये अब मसाले फिश इसके अंदर डालेंगे। बड़ा प्यारा कलर आया इसको, कांटे भी इसमें मतलब में लग रहे हैं। कोई सी भी आप फिश ले लें। अगर इसको 1-2 घंटे के लिए रख देंगे तो ये बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा मसाले का। ये मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, हल्का हल्का गरम हुआ, इतना ज्यादा नहीं। फिश हम डाल देंगे,
साग है ना, तो इसको जो है ज्यादा चमचे नहीं चलाने क्योंकि फिर फिश टूट जाती है। बस सारी मैंने डाल दिए 4 से 5 और ये दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे इसको। बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना क्योंकि ऊपर से जल जाएगी फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी। जी विवर जी, एक साइड से हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड से इसको कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से इसको पलटाएं ताकि इसको कोई दुख ना हो, दर्द ना हो। आराम आराम से प्यार प्यार से इसको टन दीजिए। जी भी बस तकरीबन हो चुकी है हमारी फिश तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा कलर आया है इसमें। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। गर्मियों में भी जो है फिश खाने का अपना ही मज़ा होता है। बहुत लोग जो है गर्मियों में फिश खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हर मौसम में खानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं फिश में। मैं मज़ीद भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। पहले भी मैंने एक मछली की आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, ये दूसरी रेसिपी है मेरी। जो मैंने पहले वाली फिश बनाई थी उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, तो वो भी आपने ट्राई करनी है, ये भी ट्राई करनी है। मैं ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये मूसा साहब आ चुके हैं, इनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, ये अब मुझे तंग कर रहे हैं। इधर देखो, हाय करो व्यूअर्स को। तो ये कह रहे हैं नानू वाह बहुत मज़े की फिश है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।